अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और बहुत मजे में होंगे। अच्छा जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत जबरदस्त से प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने के लिए आई हूँ। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले मेरे पास फेस वॉश है और नाइट क्रीम। अच्छा, फेस वॉश अच्छा चूज करना बहुत जरूरी है, उससे आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहता है। और नाइट क्रीम जो हमारी आजकल की अफरा तफरी की हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, जिसमें हम लोग बाहर धूप में निकलते हैं, सनब्लॉक अवॉइड करते हैं, चूल्हे के सामने खड़ी रहती हैं या घर के कामों में इतनी मगन रहती हैं कि हमारे पास पार्लर जाने का टाइम नहीं होता। अगर आप लोग कोई अच्छी नाइट क्रीम अपनी लाइफ में अपनी जो है रूटीन के अंदर शामिल कर लेते हैं, तो उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी बहुत बेहतर हो जाती है। फिर भले आप फेशियल लें या ना लें, अच्छा फेस वॉश और अच्छी नाइट क्रीम आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देता है, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। आज ना मैं आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूं, काफी दिन से मैं यूज कर रही हूं। इस टाइम मैंने अपने चेहरे पर जो है कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई मेकअप नहीं किया, बस सिर्फ मैंने अपना जो है ना लिपस्टिक लगाई है ताकि चेहरा जो है हल्का सा फ्रेश लगे। काफी दिन से मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही थी, इनके रिव्यू इनके रिजल्ट इतने अच्छे मुझे लगे, तो मैंने कहा आज वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो लड़कियां जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर वो भी कोई अच्छा सा फेस वॉश या कोई अच्छी सी नाइट क्रीम लेना चाहते हैं, तो आप लोग ये वाली बाय कर सकते हैं। चलिए जनाब चलते हैं। जाने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं, देखते हैं और कौन से प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी। जी जनाब, यहाँ पे जो मेरे पास एल्योर के दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आई थिंक इसको यही प्रोनाउंस करते हैं, एल्योर। एल्योर के दो प्रोडक्ट हैं, रिजा स्किन केयर, ठीक है, एल्योर रिजा स्किन केयर पेज का नाम है जहां से मैंने ये जो है खरीदे हैं। आप लोग भी वहां से ले सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास फेस वॉश है, पैकेजिंग इस तरीके की है, इस तरीके से मेरे पास इनकी नाइट क्रीम है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं अब इसे यूज किस तरीके से करती हूँ, वन बाय वन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फेस वॉश जो है इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो है हम लोग इनके ब्राइटनिंग फेस वॉश की बात करते हैं। पहले आप लोग बाहर से इसकी बॉटल देख लें, कितनी अच्छी बॉटल है, यूज करने में बहुत आसान है क्योंकि आगे इसके पंप दिया हुआ है। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, इस तरीके से है ये। और आप लोग इसका थोड़ा सा ही पंप, इसको जरा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा ही फेस वॉश जो लेके ना, उससे आप लोग पूरे मुंह पर और नेक पे आराम से मसाज कर सकते हैं। तो मैंने काफी दिन से यूज करी और मुझे लगता है अभी भी आधा नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतनी सी अमाउंट इसकी लेती हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से हाथ पर मलकर अपनी नेक पर और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से जो है मेरा चेहरा क्लीन हो जाता है, अगर कोई मेकअप कोई डस्ट वगैरह भी होती है तो वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। अब जो जनाब इसके फेस वॉश की बात करते हैं, मैं इसे दिन में एक टाइम यूज करती हूँ, आप लोग चाहें तो इसे सुबह शाम भी यूज कर सकते हैं। सुबह के टाइम पर जो है मैं कोई और फेस वॉश जो है या कोई और क्लींजर जो है वो यूज कर लेती होती हूँ, क्योंकि वैसे भी सर्दियां हैं, ज्यादा मुंह नहीं धुलता, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग फेस वॉश करेंगे उतनी आपकी स्किन जो है वो ड्राई होकर पापड़ बनती जाएगी, ठीक है। तो अपने फेस वॉश को कम करें सर्दियों में, कोशिश करें कि वैसे आप लोग नॉर्मल जो पानी है उससे आप लोग मुंह धोएं, जितनी दफा धोना है, जैसे 4-5 दफा धो लिया, 5-6 दफा भी धो सकते हैं, ठीक है, जितनी दफा आपका दिल करे आप लोग नॉर्मल पानी से मुंह धोएं। लेकिन फेस वॉश सुबह के टाइम कर लें या रात को बेड पर जाते हुए आप लोगों ने अगर कोई मेकअप किया है, मेकअप रिमूव करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, और एक दफा रात को कर लें, एक दफा सुबह में कर लें, बट डेड सीट बहुत होता है, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोगों ने फेस वॉश यूज नहीं करना ठंड में, सर्दी में अपने, क्योंकि हमारी जो स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है और हमारी स्किन अकड़ना शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा स्किन ड्राई और अकड़ी भी रहेगी, उतनी ज्यादा फाइन लाइन्स रिंकल्स वगैरह का मसला भी ज्यादा होगा। जी सर, आप अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो है हमारी स्किन पे क्या वर्क करता है। इन्होंने इस पे मेंशन किया हुआ है फ्लॉलेस स्किन हो जाती है आप लोगों की, डेफिनेटली हो जाती है। मैं यूज करती हूँ, वाकई मुझे लगता है एकदम से फ्लॉलेस और साफ सुथरी सी स्किन हो जाती है, स्पॉटलेस फेयरनेस, ठीक है, आपके जो हल्के पुल्के से स्पॉट्स होते हैं वो भी। और मैंने देखा है कि मुझे ना 2-3 पिंपल्स हो रहे थे, इन्होंने मेरे पिंपल्स को भी जो है ना खुश कर दिया है। ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये देखें मेरे पिंपल्स साइड पर, ठीक है, ये रहे मेरे पिंपल्स, ये 2-3 मेरे ना पिंपल्स इस तरीके से निकल आए थे, ये इस साइड पे भी एक ये रहा निकला हुआ, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ, ये वाली नाइट क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पिंपल जो है ड्राई हो गया है इससे, और मैंने और कुछ भी नहीं यूज किया। और अब मुझे लग रहा है कि इसका जो निशान है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये स्पॉट भी जो है ना हल्के हल्के करके जो है ना खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन में। अच्छा जनाब, नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो रेडियंट हो जाता है, मतलब आपकी स्किन जो होती है ना बड़ी चमकदार सी लगने लग जाती है, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर ऑल स्किन टाइप्स, हर स्किन टाइप के लिए है ये, और पैराबन फ्री है, ठीक है। पैराबन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करता है, तो आप लोग जो भी प्रोडक्ट शैम्पू या फेस वॉशेज वगैरह ले, आप लोग चेक करके लिया करें कि वो पैराबन फ्री हो। और जनाब बाकी इसकी सारी चीज़ें पीछे मेंशन है, अगर कोई लेना चाहता है तो मेरी तरफ से जो है ना,
अच्छा जनाब, फेस वॉश के हम लोगों ने कर लिए बात। फेस वॉश मेरी तरफ से टोटली रिकमेंड है। अगर आप लोग कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लेना चाहते हैं जिससे आपकी स्किन का मॉइस्चर भी बरकरार रहे, आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई ना हो, तो ये बहुत अच्छा है। इसे इस्तेमाल करने के बाद जो है ना, जब मैं रात को इससे फेस क्लीन करती हूँ तो आपका सारा डस्ट भी रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा जो है, कुछ फेस वॉशेज इस तरीके से होते हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल ऐसे अकड़ा देते हैं, आपकी स्किन जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है जैसे आप वॉश करते हैं। इसके बाद इस तरीके का कुछ नहीं होता, ना आपका फेस खिंचा हुआ लगता है, ना आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई लगता है, आपका फेस जो है ना बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ स्किन लगती है। तो फेस वॉश इनका मेरी तरफ से टोटली रिकमेंड है, ठीक है। और इसके ऊपर इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये पैराबन फ्री है, आपकी स्किन के लिए एक सेफ फॉर्मूला है। आप लोग लाजमी इसे इस्तेमाल करके देखें। और चलें जनाब, चलते हैं अब इनकी नाइट क्रीम की बात करते हैं। जी जनाब, अब इनकी क्रीम की बात कर लेते हैं। इनकी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव और सेफ है। इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है सेफ एंड इफेक्टिव, ठीक है। देखें, बहुत सारी क्रीमें ऐसी होती हैं जिनमें मरकरी डाला जाता है, जिनमें पैराबन डाला जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और बाहर से आप लोग लोकल मार्ट से जो क्रीमें वगैरह लेते हैं वो वक्ती तौर पर तो जो है आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट दे देती हैं, लेकिन आप लोगों का फिर जब आप लोग उसे छोड़ते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा दबाव बर्बाद हो जाती है। फिर वो जो है आपकी स्किन को पतला भी कर चुकी होती है, आपकी स्किन की वैंस भी नजर आने लगती है, फिर जनाब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर वो जिस तरीके की स्किन होती है वो उसी तरीके की रह जाती है। क्रीम्स हमेशा इस तरीके की चुने आप लोग के, अगर आप लोग उसे छोड़ते भी है ना तो आपकी स्किन खराब ना हो, ठीक है। मैंने जिस तरीके से पहले भी आप लोगों से बहुत सारी क्रीम्स शेयर की हैं, मैंने जब जब छोड़ी है ना, जब भी मैं जो कोई नई चीज ट्राई करती हूँ, अगर मैं पिछली क्रीम छोड़ देती हूँ तो मेरी क्रीम, मेरी स्किन इस तरीके की नहीं होती कि पतली हो जाए, उसमें वैंस नजर आने लग जाए या बहुत ज्यादा कोई सेवर साइड इफेक्ट मुझे देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि क्रीम्स में आप लोग पढ़ा करें कि उसमें क्या कुछ डाला गया है, वो सेफ है कि नहीं है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है कि नहीं है। तो आप लोग फिर क्रीम्स को काफी सर्च करने के बाद लिया करें, सिर्फ वाइटनिंग के चक्कर में लोकल चीजें मत उठा के मुंह पे लगाया करें। स्किन हमारी अपनी है, वो बर्बाद हो जाती है, फिर दोबारा सही नहीं होती। ये जब पतली हो जाती है ना स्किन, तो फिर ये दोबारा उस तरीके की नहीं हो सकती जैसे पहले होती है। और वैंस नजर आने लगे तो वो तो और ही बुरी लगती है, फिर बिल्कुल ही अंदर से इस तरीके से नजर आ रही होती, ब्लू ब्लू वैंस, अच्छी नहीं लगती। तो क्रीम हमेशा इस तरीके की चुने। तो जनाब ये मेरी तरफ से सेफ एंड इफेक्टिव फॉर्मूला बनाया हुआ, ठीक है। तो मेरी तरफ से रिकमेंड है। पहले मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक सो इवेंट ऑन सी क्रीम जो है वो शेयर की थी, वो भी डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड थी, वो भी मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, मैं उनके जो है मशवरे पर ले रही थी। तो ऐसे ही मैंने यूज कर रही थी, जब मैंने उसको छोड़ा तो मेरी स्किन कोई खराब नहीं हुई, कोई मुझे उससे वो नहीं पड़ा फर्क, ठीक है। तो मतलब जैसे मेरी स्किन पहले थी वैसे ही थी, जब तक मैं वो लगा रही थी उससे भी काफी मेरी स्किन पर ब्राइटनिंग रहती थी। एक वो भी बहुत अच्छी जो मैंने आप लोगों के साथ नाइट क्रीम शेयर की थी। एक जनाब आजकल मैंने जो है अपनी चेंज कर ली, स्किन केयर रूटीन भी चेंज करते रहना चाहिए, जिस तरह बालों के लिए शैम्पू भी चेंज करते रहना चाहिए, इसी तरह स्किन केयर रूटीन भी चेंज करते रहना चाहिए, ताकि बेस्ट से बेस्ट जो है ना एक ही चीज पर नहीं रहना चाहिए, हो सकता है आपको उससे भी बेहतर कोई अच्छी चीज मिल जाए। तो मैंने जो है ना इस क्रीम के बारे में और इस फेस वॉश के बारे में बहुत रिव्यूज पढ़े यूट्यूब पर, उसके बाद जनाब मैंने इसे बाय किया और अब मैं फिर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसमें जो डाला गया है कोजिक एसिड, इसमें डाला गया है नाइसेनामाइड, इसमें डाला गया ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन जो है आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है, नाइसेनामाइड आपके जो ओपन पोर्स है, आपके स्पॉट्स वगैरह है, उसको खत्म करता है। अल्फा आर्बुटिन डाला गया है, हाइलोरोनिक एसिड डाला गया, हाइलोरोनिक एसिड जो है आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चर रखता है, ठीक है। आपके जो एंटी एजिंग नहीं आपको आने देता, आपके रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ने देता। तो जनाब फॉर रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट फॉर्मूला है एल्योर की स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। इसे आप लोगों ने यूज किस तरीके से करना है, इसे आप लोगों ने जनाब नाइट टाइम पे यूज करना है। मैं इसे नाइट टाइम पे यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं इनका फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद देन मैं इनकी नाइट क्रीम इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब जनाब इनकी नाइट क्रीम इस्तेमाल किस तरीके से करनी है, अच्छा जनाब नाइट क्रीम यूज करने का मैं आप लोगों को तरीका बता दूं। कभी भी उसे बिल्कुल ड्राई अकड़े हुए पापड़ी वाले मुंह पर जो है ना आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं तो वो ऊपर ही पड़ी रहेगी, उसका कोई इफेक्ट आप लोगों को नजर नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रीम का वाकई असर नजर आए आप लोगों को, तो आप लोगों ने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद जब 80% आपका मुंह ड्राई हो जाए, 20% रह जाए, तो उसमें आप लोगों ने क्रीम लेके जो है अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लेना है। एक तो क्वांटिटी कम लगती है क्योंकि हल्का हल्का मुंह आपका गीला होता है, जितना ड्राई मुंह होगा क्वांटिटी भी ज्यादा लगेगी। हल्के हल्के गीले मुंह पे जब आप लोग हल्की सी क्रीम लेके लगाएंगे, ठीक है, और नेक पे भी लगाएंगे और फेस पर भी लगाएंगे, तो वो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी जैसे आप लोग कोई क्लींजर कर रहे होते हैं, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने लगा के छोड़ देनी है, जो 20% मुंह आप लोगों का गीला होगा उसके साथ ही आपकी ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ड्राई स्किन पे लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऊपर ही पड़ी रहेगी, ऊपर ही व्हाइटनिंग व्हाइट व्हाइट सा लगेगा कि चेहरे पे कुछ लगाया, वो आपकी स्किन के अंदर वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले जी जनाब नाइट क्रीम लगाने का ये तरीका है, ठीक है, फिर ये जो है आपको अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरा जनाब आप लोगों ने जो है सुबह के
सनस्क्रीन लाजमी यूज करने है। अगर सनस्क्रीन नहीं लगा सकते कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा ले, जैसे कि अब सर्दियां हैं, मॉइस्चराइजर भी मैंने अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हुआ है, डॉक्टर की रिकमेंड पे ही वो मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ। उसके अलावा अगर मैं कोई और मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ तो मैं फिजियोजेल यूज कर लेती हूँ। वो ये दोनों मॉइस्चराइजर ऐसे हैं जो बहुत सेफ हैं, जो आपकी रिएक्टेड स्किन को, आपकी अगर पिंपल वाली स्किन है या आपकी स्किन पे जल्दी से जो है वो रेडनेस हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो उन स्किन के लिए ये बहुत अच्छे हैं। तो जिसने मेरी मॉइस्चराइजर वाली वीडियो नहीं देख ली वो काइंडली सर्च करके मेरी वीडियो मॉइस्चराइजर वाली देख लें, ठीक है। बेस्ट मॉइस्चराइजर है, मैंने डॉक्टर की रिकमेंड पे जो है वो इस्तेमाल कर रही थी। अगर वो आप लोगों नहीं लेना चाहते तो उसके अलावा आप लोग फिजियोजेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी स्किन के लिए बेस्ट है। चलें जनाब, ये थी वीडियो। फेस वॉश और नाइट क्रीम मेरी तरफ से रिकमेंड है, इसलिए सोच समझ के नाइट क्रीम का इंतखाब किया करें, अपनी स्किन को रीड करना सीखें और इंग्रेडिएंट्स को रीड करना सीखें, कौन सी चीज है जो आपकी स्किन पर बेस्ट बैठेगी। अच्छा, जैसे मैंने पहले कई सारी वीडियो में बताया है कि सैलिसिलिक एसिड वाला जो है फेस वॉश बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इस सर्दी में आप लोग सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो जो है हमारी स्किन का बिल्कुल मॉइस्चर खत्म कर देता है। सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश जो है वो गर्मियों के लिए सही रहते हैं। तो आप लोग जो भी फेस वॉश लें उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया करें कौन कौन सा डाले हुए हैं। सैलिसिलिक एसिड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है, आपका मॉइस्चर खत्म कर देता है। नेक्स्ट जनाब, स्किन अच्छी करने के लिए कीनू आए हुए हैं और अनार आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं इस मौसम में, वो खाएं, स्किन अच्छी हो जाएगी, खुद ही ग्लो आ जाएगा। ग्लो स्किन में होना चाहिए, चमकती दमकती स्किन होनी चाहिए, कलर कॉम्प्लेक्शन इतना मायने नहीं रखता। सांवला कलर भी अगर ग्लो कर रहा है ना तो बहुत प्यारा लगता है, और फेयर कलर भी अगर ग्लो कर रहा है तो बहुत प्यारा लगता है। सारी बात होती है ग्लो की, ग्लो आ रहा है ना स्किन पे तो अच्छा लगता है, कॉम्प्लेक्शन कोई मायने नहीं रखता। चलें जनाब, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।